चली क्या? काफी लेट हो गए हैं। क्या बात कर रही, हाफ एन आवर में चलते हैं ना। ठीक है, मैं मम्मा को कॉल करके आ रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं चलूँ क्या साथ में? नहीं नहीं तू रुक, मैं आती हूँ। ए काका किधर? अंदर। अरे एक पैर कबर में, क्लब में क्या करोगे? चलो, किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ एक लड़की। अरे इस उम्र में लड़की को क्या करोगे? चलो चल। चल काका। मम्मी आई एम कमिंग, नेटवर्क नहीं है, मैं बस हेलो हेलो। एक सुंदर खूबसूरत लड़की, वो भी रात में अकेली, सोचा कंपनी दे दूं। भारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा छेड़ने की? लगता है एक बार कंप्लेंट करने से शर्म नहीं आई तुम्हें। तुझे क्या लगा एक बार मेरी कंप्लेंट कर देगी? मैं डर जाऊंगा, मैं चिल्ला दूंगी, मेरे पास मत आना तुम। चिल्लाना सोर्स है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? पता नहीं विक्रांत, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह एक मायूसी सी छाई हुई हो, कुछ भी सही नहीं लग रहा। डॉक्टर को दिखाया? विक्रांत तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। घुटन सी महसूस हो रही है मुझे। काम का स्ट्रेस है शायद। एक काम कर लो, घर जाकर आराम कर लो, मैं केस हैंडल कर लूंगा। नहीं विक्रांत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कभी तो मेरी बात मान लिया करो यार अदिति। ठीक नहीं लग रहा है तो एक दिन रेस्ट कर लो ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस विक्रांत यहीं पे रोक दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यहीं से ऑटो ले लूंगी। आर यू श्योर? यस विक्रांत, चलो बाय बाय। अच्छा सुनो, घर पहुंच के मैसेज कर देना। ठीक है। सर ये है विक्टिम नरेंद्र वर्मा। सर ब्लड रिपोर्ट सैंपल के अनुसार इनकी डेथ कोई जहर से हुई है। किस टाइप का जहर? सर ये कोई मैन्युफैक्चर्ड जहर तो नहीं लग रहा है, जैसे साइनाइड या चूहे मारने का जहर। बॉडी की हालत देख के ऐसा लगता है कि ये कोई नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिन है, जैसे कोई सांप या बिच्छू का जहर। बॉडी पे कोई वाइट मार्क्स, स्टिंग मार्क्स? सर ताजुब की बात यही है कि बॉडी में कोई पंक्चर्ड या बाइट मार्क्स नहीं है, ना ये जहर ओरली लिया गया है। सर ये वेन्स देखिए, जहर बहुत ही पोटेंट था और बड़ी मात्रा में शरीर में फैल गया है। आई थिंक इट वॉज एन इंस्टेंट डेथ सर। सर जैसे आपने बोला था मैंने चेक करवाया, कोलाबा पुलिस स्टेशन में 3 महीने पहले ऐसे ही केस दर्ज हुआ था। विक्टिम की मौत पॉइजनिंग की वजह से हुई है और उसकी बॉडी पर कहीं कोई निशान नहीं है, ठीक इसी केस की तरह। विक्टिम की बॉडी कहां पर मिली थी? सर प्राइवेट टैक्सी में। टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट तो नोट कर लिया होगा। सर टैक्सी शेयर्ड थी, ड्राइवर के साथ साथ 3 पैसेंजर और भी थे, उनके स्टेटमेंट ले लिए गए।
सर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोरे का कहना है कि वो अच्छे परिवार से हैं और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। मैंने तुमसे पूछा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोरे का क्या कहना है? उन चारों के स्टेटमेंट्स मंगवा लो। यस। सैंडी। जी सर। कल रात को तुम ही ड्यूटी पर थे? जी सर। नरेन वर्मा जब आखिरी बार क्लब से बाहर निकला तो किसी से झगड़ कर निकला या फिर किसी के साथ हाथापाई हुई उसकी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पार्किंग की तरफ एक लड़की के पीछे पीछे जा रहे थे। कौन लड़की? सर नहीं जानता मैं। वो अकेला आया था क्लब में कल रात? नहीं सर, उनके दोस्त भी थे साथ। वो लोग बड़े हाईफाई है सर, अक्सर यहाँ आते रहते हैं। और जब नरेन क्लब से बाहर निकला तो सारे दोस्त क्लब के अंदर ही थे? जी सर। और कोई भी ऐसी बात हुई हो कल रात को जो अनयूजुअल हो या पहले कभी ना हुई हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? नहीं सर। ठीक है। सर एक मिनट। सर कल रात एक अजीब बात हुई। एक बुजुर्ग क्लब में एंट्री मांग रहा था, वो एक लड़की के बारे में पूछ रहा था। मुझे सनकी लगा तो मैंने बुड्ढे को भगा दिया। उसका नाम बताया उसने? जी नहीं। और कल रात से पहले कभी नहीं देखा उसको? नहीं सर। ठीक है। करे एक काम करो, ये नरेन के कॉलेज में जाकर उसके दोस्तों से पूछताछ करो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। दे, तो फिर आ गया? उस लड़की को पुलिस के बारे में क्या बताया तुमने? कौन सी लड़की? वो तेरा क्या लेना देना उससे? बाइक छोड़, चल निकल, जाने दे। एक बार मेरी आंखों में देख के तो जा। पहली मौत चलती हुई टैक्सी में हुई, दूसरी क्लब के बाहर। सर, कोलाबा थाने से रिपोर्ट आ गई है सर, ये रही। सर मोरे बता रहा था कि उस रात टैक्सी ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी ट्रक से टकराने से बाल बाल बच गई और सारे पैसेंजर उतर गए। लेकिन सर विक्टिम की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वही ड्राइवर उसे हॉस्पिटल लेकर के गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। ड्राइवर और विक्टिम का कोई ताल्लुक? नो सर। विक्टिम की सांस अचानक तेज हो गई, फिर पूरा बदन कांप रहा था और शायद उसे दौरा पड़ा। ये तो सारे पॉइजनिंग के सिम्टम्स है सर, कुछ ऐसा ही है। सर। नरेन वर्मा के बारे में कुछ पता चला? सर नरेन का कॉलेज ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, लेकिन पास के ही एक गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट अनन्या गुप्ता ने नरेन के खिलाफ स्टॉकिंग और छेड़खानी की कंप्लेन दर्ज करवाई। Yes। नाम क्या बोला लड़की का? अनन्या गुप्ता सर। ये तो उन तीन पैसेंजर्स में से एक है। दोनों केसेस में ताल्लुक तो मिल गया, अब मोटिव का पता करना है और डिलीवरी मैकेनिज्म का भी। कौन सा फ्लोर? थर्ड फ्लोर सर।
एक मिनट में आया। आओ जाकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछो कि उसने किसी बूढ़े आदमी को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा क्या। जी सर। चलो। आप कौन? दीदी कोई आया? अनन्या गुप्ता जी, आप? विक्रांत सिंगल, ACP मुंबई पुलिस। आपसे जरा बात करनी है। दीदी अब मैं जाऊं? हाँ, कल टाइम से आ जाना एंड डू योर होमवर्क। ओके। हम नरेंद्र वर्मा के बारे में बात करने आए हैं, वही जिसके खिलाफ आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी मॉलेस्टेशन और छेड़खानी 3 महीने पहले, और परसों रात आप उसके साथ क्लब गई थी। एक्सक्यूज मी, उसके साथ क्लब नहीं गई थी, वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब में गई थी और नरेंद्र ने उसके साथ फिर से छेड़खानी की थी पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद। उस रात नरेंद्र वर्मा की मौत हो गई थी मैडम, उसी क्लब के बाहर पार्किंग लॉट में। ताज्जुब की बात यह है कि 3 महीने पहले आप एक शेयर्ड टैक्सी में बैठी थी जिसके को पैसेंजर की मौत भी बिल्कुल नरेंद्र वर्मा की तरह ही हुई। तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उन दोनों के पास मौजूद थी? नहीं, मैं बस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं, उन दोनों के शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जहर पाया गया है जिस वजह से उनकी मौत हुई। आप अगर कुछ बोलना चाहती है तो यही सही वक्त है। नरेन, मैंने किसी को नहीं मारा है, और उस पैसेंजर को मैं जानती भी नहीं थी। मैं उसको क्यों मारूंगी? मैं किसी को क्यों मारूं? रिलैक्स, मैंने ये कब कहा कि आपने उनको मारा है? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ बोलना है तो यही सही वक्त है। सर, लेडी कांस्टेबल का नीचे से फोन आया था, उसने कहा कि उसने किसी भी बुजुर्ग को नहीं देखा गेट पर आते जाते। आप किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे साथ लिफ्ट में था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उन्होंने धोती कुर्ता पहना था? हाँ, और कैटरैक का चश्मा पहना था। शॉल ओढ़ा था उन्होंने? मैंने इस आदमी को अपने कॉलेज के बाहर 2-3 बार देखा है, इनफैक्ट इस बिल्डिंग के बाहर भी। उस रात उस क्लब के बाहर भी देखा? इस आदमी का एक स्केच बनवाना पड़ेगा। यस। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, माय कलीग। और पूछताछ करनी हो तो आपको पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाएगा। आई होप यू कोऑपरेट। आप दोनों के अलावा और कौन रहता है घर में? आपके डैड? इसके डैड कुछ साल पहले गुजर चुके हैं, हम दोनों अकेले रहते हैं। I'm sorry. मामा, आपने उनसे झूठ क्यों बोला? बेटे, मैं नहीं चाहती कि तेरा बीता हुआ कल तुझे परेशान करे।
तो फिर बिना मतलब उसे बीच में लाने की जरूरत क्या है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटे। वनराज, उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। सर, विक्टिम्स के ब्लड सैंपल चेक करने के बाद मुझे पता चला कि यह जहर कोबरा फैमिली का है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स कोबरा बाइट्स के विक्टिम्स में पाए जाते हैं। लेकिन ताजुब की बात है कि किंग कोबरा एक बाइट में जितना जहर छोड़ता है उससे 10 गुना ज्यादा विक्टिम्स के ब्लड सैंपल में पाया गया है। इन सारी विक्टिम्स की बॉडीज पर कोई पंक्चर मार्क नहीं है, कोई बाइट मार्क नहीं है, तो ये जो जहर है ये इनकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा सकता है किसी और तरीके से? हो सकता है सर, पर यह एक बहुत ही स्पेशलाइज जॉब है। वेनम को -20 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बेअसर सा हो जाता है। सर, संदेश शर्मा की मौत हो गई है। वो क्लब का बाउंसर? यस सर। कैसे? सर, हाईवे पर उसे एक ट्रक ने कुचल दिया। जगताप, यह एक्सीडेंट कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। थैंक यू मिस्टर कौशिक, अगर आपकी फिर से मदद लगी तो आपको फोन करेंगे। इस जहर के अलावा ये आदमी मुझे खटक रहा है जगताप। ये हमें अनन्या की बिल्डिंग में दिखा था और इसके बारे में हमें सैंडी ने ही बताया था और अनन्या ने भी, और अब सैंडी एक्सीडेंट में मर गया। ठीक है जगताप। सर, जोशी बोल। खबर पक्की है? मिसेस गुप्ता, आपने मिस्टर गुप्ता के बारे में झूठ क्यों बोला? झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। आप क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि असल में कोई मिस्टर गुप्ता है ही नहीं। अपन मैरिड। इससे पहले आप किसी और शहर में किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी। फिर एक दिन अचानक आपने वो काम छोड़ दिया, वो शहर छोड़ दिया और इस शहर में आकर बस गई और 8 साल की अनन्या का दाखिला एक स्कूल में कर दिया। अब आगे की कहानी आप खुद बताएंगी या फिर हम पुलिस स्टेशन चले और एक दूसरे का टाइम वेस्ट करें? हाँ, मैं अनन्या की सगी मां नहीं। जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में मैं पहले नर्स थी और उसी हॉस्पिटल के बाहर मुझे अनन्या पड़ी मिली थी, ऐसे जैसे किसी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया हो। उसके बदन में हर जगह, उसके हाथों में इतने सारे जख्म थे जैसे किसी ने उसे बहुत टॉर्चर किया हो। आप जानती है इस सब के पीछे अनन्या की पिछली जिंदगी से एक जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है? आपने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप दोनों की जान खतरे में हो सकती है। तो अगर ऐसा है भी तो आप लोग हैं ना? हाँ, हम हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सब कुछ सच सच बताएं और वो भी टाइम पे। आपके बिल्डिंग के बाहर में 2 कॉन्स्टेबल्स लगवा रहा हूं। चलता हूं। आप अनन्या दीदी को जेल में तो नहीं डालोगे ना? नाम क्या है तुम्हारा? देव। देव क्या? देवानंद। देवानंद, कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3rd।
देखो देव, अगर तुम्हारी अनन्या दीदी ने कोई गलती भी की होगी ना, तो भी मैं उन्हें जेल में नहीं डालूंगा, वार्निंग देकर छोड़ दूंगा, क्योंकि हर किसी को एक गलती तो माफ होती है। वैसे कोई गलती की है आपकी अनन्या दीदी ने? नहीं सर, वो बहुत अच्छी है। वो मेरे एग्जाम के टाइम इंग्लिश पढ़ाती है। वो सबकी फ्रेंड है, सबकी मदद करती है, लेकिन बस उनको डॉग से बहुत डर लगता है। तुम्हारे पास डॉगी है? है नहीं, था चार्ली। कहाँ गया? सर एक दिन चार्ली गलती से अनन्या दीदी के घर में घुस गया, फिर पता नहीं वो अचानक बीमार हो गया। हम डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने कहा कि चार्ली भगवान के पास चला गया। कैसे? डॉक्टर ने कहा कि वो सांप के जहर से मरा है। तुम्हारी अनन्या दीदी ने कुछ खिलाया उसे? वो तो नहीं पता सर। जगताप, मुझे इमीडिएटली 2 कांस्टेबल्स अनन्या के बिल्डिंग के बाहर पोस्टेड चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और उन पर नजर रखने के लिए भी, 24 घंटे। हाँ दीदी। विक्रांत, केस कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, अभी अनन्या की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा हूँ। कोई अपडेट? हाँ अपडेट तो है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता है देव नाम का, उसका एक कुत्ता था चार्ली, जिसकी हाल ही में मौत हो गई स्नेक पॉइजनिंग की वजह से। कुत्ते का मरना और इस केस का क्या कनेक्शन है? ताल्लुक है ना, अनन्या उस कुत्ते से बहुत डरती थी। विक्रांत, तुम मुझे मजाक के मूड में लग रहे हो, मैं उस जहर के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, अगर कोई अपडेट मिले तो कॉल करना। देखो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो, जो कोई भी रिसर्च करना है मैं कर लूंगा, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाय। ओके विक्रांत, बाय। हाँ जोशी बोल। सर वो जो बूढ़े आदमी का पोस्टर आपने सर्कुलेट करवाया था वो दिख गया है। कहाँ? बहुत देर कर दी तुमने आने में, तुम्हारी रात तकते तकते झुरिया निकल आई मुझे। तो अब इंतजार खत्म हो गया तो चले? जाना तो सबको है एक दिन, लेकिन अभी नहीं। दिमाग खराब मत कर बुड्ढे, पहले से बहुत परेशान हूं, समझा? पहले मेरी आंखों में तो देख, सब समझ आएगा। बहुत ताकत है तुझ में, लेकिन जिसको तो बचाने की कोशिश कर रहा है वही सबसे बड़ा खतरा है। एक बार लहू में पड़ गई ना, मार दे मुझे, वरना शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन अभी तेरा वक्त नहीं आया।
बहुत साल पहले मेरी बच्ची अनन्या को मुसिक्स ने छीन लिया था। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे अब ऐसे जाने दूंगा? उनका हाथ है उस बच्ची पर, तुमने तो देखा ही है उन्हें। पीली आंख वाले को तुम्हें अभी भी लगता है अनन्या को बचा लोगे? बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। आपको कुछ? अरे मम्मा, मम्मा, पाटिल क्या कर रहे हो? अरे कैसी है मेरी बच्ची? फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम्हें अभी भी लगता है अनन्या को बचा लोगे? पूरा घर छान मारो। यस, तुम उधर जाओ। यस।
सर, सब छान लिया सर, कहीं कोई नहीं है। यस सर, घर में और कोई नहीं है सर। इनकी बॉडी पर वही निशान है जो नरेन और उस टैक्सी के पैसेंजर की बॉडी पे थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो वही होगी, सांप का जहर। अब तो इसका था, लेकिन चाकू उस बुड्ढे ने चलाया इसके जहन पर काबू पाकर। जितनी जल्दी उस बुड्ढे को ढूंढेंगे उतने अनन्या के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई कर दो इमीडिएटली। यस। देव का पेट चार्ली, फिर वो टैक्सी का पैसेंजर, क्लब के बाहर नरेन और अब अनन्या की माँ, ये सब लोग एक ही तरीके से मरे। सर, इन सब की मौत में दो ही कॉमन फैक्टर है, एक जहर और दूसरी लड़की अनन्या। सर, मैं बचपन में एक कहानी हमेशा सुना करता था, इच्छाधारी नागिन की। ये तुम्हें मजाक लग रहा है? सर, सर आदिति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है। केस में कोई अपडेट? इन सारे मर्डर्स में एक चीज कॉमन है, डर। डर? मतलब? सबसे पहले अनन्या देव के पेट चार्ली से डरी थी, उसके बाद वो जब टैक्सी से सफर कर रही थी तब उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। इसका मतलब सारे पैसेंजर्स डर गए होंगे, इंक्लूडिंग अनन्या। फिर वो नरेन से डरी और उसके बाद शायद अपनी माँ से। अनन्या जब भी डर जाती है उसके आसपास के लोग मरते हैं। पर कैसे? कहीं वो बुढ़ा आदमी उसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा और अनन्या के थ्रू ये सब कुछ करवा रहा, और अनन्या ही सबको जहर दे रही हो? नहीं, ये जहर उन बॉडीज में किसी और जरिए एडमिनिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि जहर डायरेक्टली ब्लड में एसिमिलेट हुआ है। और अगर मान भी ले कि तुम्हारी ये अनन्या इच्छाधारी नागिन है, तो भी बॉडीज पे कोई पंक्चर मार्क्स या बाइट मार्क्स तो है नहीं, सो दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन विक्रांत, कुछ लोगों में ऐसी एबिलिटीज होती है, एंड आई डोंट हैव टू टेल यू कि कितनी अजीब, राइट? अदिति, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मुझे चटर्जी जी का कॉलर है। ओके विक्रांत, बाय। हाँ सर, उन सिंबल्स के बारे में कुछ पता चला? वो जो निशान है वो एक बहुत ही पुराना चिन्ह है, एक विश्कोना नाम का एक घराने का है। उस घराने का लोग बहुत ही खतरनाक होता था, वो सिर्फ छूने या देखने से भी किसी को भी मार सकता था। वो घराने का लोग बचपन से ही अपने लड़कियों को थोड़ा थोड़ा करके विष पिलाता था, और एक उम्र के बाद उनके घाम से भी जहर निकलने लगता था, जिससे कोई भी मर सकता था। खैर सर, ये तो पुराने जमाने की बात हुई, इस सदी में भी ऐसा हो सकता है? हम कुछ कह नहीं सकता बाबा, वैसे भी ये सब तो कहीं सुनी बातें हैं, इसका कोई प्रूफ तो अभी तक मिला नहीं है, है ना? ठीक है सर, थैंक यू।
उठो बेटा, बेटा उठो। मैं तुम्हारे लिए नया दोस्त लेकर आया हूं, खेलोगी क्या उसके साथ? साल की बच्ची थी तुम जब तुम्हें इस घर से चुराया गया। सब याद आ गया है मुझे। 8 साल मुझे टॉर्चर किया, मेरे खून में जहर मिलाया, और आज तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? इस पूरे कायनात में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बाकी सब बच्चे पहली बार ही जहर लेते ही मर गए। जब से तुम मुझे वापस मिली हो तब से मैं साय की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा, लेकिन तुमने कभी अपनी शक्तियां दिखाई नहीं। पर अब सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारे अंदर शक्तियां दिख रही है। पर हो भी क्यों ना, उनकी शक्तियां भी तो बढ़ रही हैं। उनका नाम नहीं लेते, सिर्फ बोलते हैं पीली आंख वाले। बहुत जल्द वो अपना विशाल रूप प्रकट कर लेंगे। ये सब क्या कह रहे हो? कौन पीली आंख वाले और मैं क्यों? उन्होंने तुम्हें चुना है, तुम इस पहेली की आखिरी कड़ी हो। अब तुम्हें वही करना है जो वो चाहते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करने वाली हूं। सर, गाड़ी इसके आगे तो जा ही नहीं सकती। सब लोग आगे जाओ, मैं इस तरफ देखता हूं। आखिरी बार कह रहा हूं, भाग्य लिखने वाला तो वो है, तुम्हें तो बस उसे पूरा करना है। अब क्या करेंगे? ये बच्चा है, प्लीज। ठीक है, अब जो कहेंगे मैं करूंगी, अब जैसा कहेंगे मैं करूंगी, प्लीज
प्लीज इसे कुछ मत कीजिए। चश्मा उतारने की सोच भी मत, वरना गोली भेज के आर पार कर दूंगा। सर, अंदर जाकर लड़की को छुड़ाओ। सर, और ध्यान से उसे छूना मत। बेटा गन चल जाएगी मुझे तो। बेटा गन चल जाएगी, गन नीचे रखो। देव, देव बेटा बताओ इन सबको कि तुम क्या कर सकते हो। देव अब तुम बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो। वहां बच्चा मरा या तू मरा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मरना तो सबको है एक दिन। चल डरो मत, तुम ऐसे भी कहीं बड़े काम करने हैं, तुम इसके लिए चुना गया। चल अरे चल। तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे जीत पाए। मेरी बच्ची, तुम्हारा जहर मुझ पर असर नहीं करने वाला। मेरी ताकत का अंदाजा है ही नहीं तुझे। तेरी वजह से मारा मैंने अपनी मां को, तेरी वजह से तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू चैन से कैसे जिएगा? आज तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा। अनन्या काम डाउन। अनन्या दीदी, मैं हम कहाँ हैं? I'm so sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी मम्मा को मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं जानता हूं ये किसकी बात कर रहा था और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हें कस्टडी में रहना होगा। पता नहीं क्या हुआ था मुझे, पर अब मैं बेटर फील कर रही हूं। That's good. विक्रांत, तुमने कहा था कि वो लड़की जब गुस्से और डर में होती है तो अपनी बॉडी से पॉइजन सिक्रीट करती है, पर लास्ट टाइम जब उसने कांस्टेबल को टच किया तो वो क्यों नहीं मरा? शायद अनन्या अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख गई। हाँ जगताप। सर, अनन्या लॉकअप से गायब हो गई है। सर प्लीज आप जल्दी से स्टेशन में आ जाइए। सर सब लोग मर गए हैं। सर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सर